हेलो, वेलकम टू पापा प्लैटर्स। आज इस ओनम के अवसर पर आप सबको मेरी तरफ से वेरी हैप्पी ओनम, और मेरे जो केरला और मलयाली फ्रेंड्स हैं उन सबके लिए हृदय निर्मल ओणाशंसक। तो आपको पता होगा कि ओनम जो होता है, ओनम का जो मेन होता है वो है संध्या, यानी उसका लंच, और उसे सर्व किया जाता है केले के पत्तों पर। और ये जो केले के पत्तों पर सबसे पहला चीज जो सर्व करते हैं वो है ये बनाना चिप्स। तो आपको एक अंदाजा तो मिल ही गया होगा इसके इम्पोर्टेंस का। और इसे घर पे बनाना बहुत ही इजी है, और इसे सेम टेस्ट एंड सेम क्रिस्पीनेस के साथ बनाया जा सकता है। तो चलिए बनाते हैं हम सबका फेवरेट बनाना चिप्स। बनाना चिप्स बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे कच्चे केले, यानी रॉ बनानास, जो ज़्यादा पका हुआ भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कच्चा भी नहीं होना चाहिए। ये जो केले हैं वो थोड़े बड़े वाले केले हैं, यूजुअली यहाँ साउथ में ज़्यादा मिलता है। आपको चाहिए तो ये साउथ इंडियन स्टोर्स में भी मिल जाएगा इजिली। ऐसे वाले केले काटने पर अंदर एक लाइट पिंक सा कलर दिखता है, अगर ज़्यादा पका हुआ हो तो थोड़ा सा येलो कलर हो जाता है, और कम पका हुआ हो यानी रॉ बनाना हो तो अंदर वाइट होता है, पर इसके अंदर एक लाइट पिंक कलर जैसा होगा। अब इन केलों के हमने दोनों साइड्स काट दिए हैं, दोनों साइड से हमने क्लीन कर दिया है। अभी हमें इसका छिलका निकालना है, तो हम एक साइड पे इसके छिलके पर हमें कट दे देंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा गैप डाल के और एक कट दे देंगे। इस तरह हम 3 या 4 कट इस पे डाल देंगे। अब ध्यान रखिएगा कि हम जो कट मार रहे हैं वो ज़्यादा डीप ना जाए अंदर केले पर। अब जहाँ से कट मारा वहाँ से हम चाकू रखेंगे और उसे ऐसे सेपरेट करेंगे। ये देखिए कितना ईजिली निकल आ रहा है। अगर आपके केले अच्छे हैं और अगर आपने जो कट मारा है वो केले के अंदर डीप नहीं गया है तो इसका स्किन आराम से निकल आएगा। ये देखिए इस तरह कितना आराम से निकल आया है। इसी तरह दूसरा जो कट मारा था वहाँ से भी हम चाकू से ही निकाल लेंगे। ये देखिए अभी यहाँ हमने दूसरा कट मारा था, वहाँ भी चाकू से हम थोड़ा सा ऐसा सेपरेट कर देंगे, और बस अब हाथों से खींच लेंगे तो ये आराम से निकल आ जाएगा। ये देखिए कितना परफेक्टली निकल आया है ना। बस ऐसे ही हम बाकी केलों के भी छिलके निकाल के रख देंगे। अब हम एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून नमक डाल दीजिएगा, साथ ही में 1 टीस्पून या 2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर भी। इन्हें हम अच्छे से पानी में मिक्स कर देंगे, और हमने जो केले छिलके निकाल के रखे थे वो इसमें डुबो देंगे। ध्यान रखिएगा कि पानी इतना होना चाहिए कि हमारे केले उसमें डूब सके। मुझे यहाँ 3 केले कम लगे, इसलिए मैंने और 2 केले के भी छिलके निकाल के इसमें डाल दिया है। अब पूरा 1 किलो केला हो गया है। इसे हम 10-15 मिनट के लिए पानी में डुबो के रखेंगे। 15 मिनट बाद देखिएगा कि हमारे केले येल्लो कलर के हो जाएंगे। अब हम एक साफ सा टवल ले लेंगे और ये केलों को हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए इस पर। अब हमें इन केलों को चिप्स के शेप में काटना है, उसके लिए मैं यहाँ एक कटर ले रही हूँ। आपके पास अगर ऐसा वाला कटर है तो आप ले सकते हो जिसका बहुत ही थिन ब्लेड हो, या फिर आपके पास ऐसा वाला है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चाकू से भी काट सकते हो। मैं आपको दोनों कटर्स में करके दिखाती हूँ। अब मैं आपको पहले ये वाले कटर में दिखाती हूँ। काटते समय आपको बहुत ही स्पीड रखना पड़ेगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह, ये देखिए आप इसकी थिकनेस, जितना पतला हो सके उतना पतला आपको इसको काटना है। अब मैं आपको ये वाले कटर में करके दिखाती हूँ। सच बोलूँ तो मुझे ये वाला कटर ज़्यादा कंफर्टेबल लगा है, कट करने में भी इजी है, और इसके स्लाइसेस ज़्यादा पतले हैं। अगर ज़्यादा पतले स्लाइसेस मिलेंगे उसका मतलब हमारे चिप्स ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अभी मैंने यहाँ 2 केलों को काट के रखा है, हम सारे केलों को एक साथ नहीं काटेंगे वरना ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। अब हम 1/2 कप पानी ले लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल के मिक्स कर लेंगे। पानी को आप टेस्ट करके देखिएगा, नमक का स्वाद थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए, उसके हिसाब से आप चाहो तो थोड़ा और नमक भी ऐड कर सकते हो। अब हम एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेंगे, बड़ी वाली कढ़ाई लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चिप्स फ्राई करते समय तेल के छटकने के चांसेस ज़्यादा है। अब ये तेल गर्म हुआ है कि नहीं कैसे पता करते, पता है आपको? कि जो वुडन वाला स्पून होता है ना वो हम तेल में डाल के देखेंगे, तो देखिए ऐसे बबल्स आएंगे, तो इसका मतलब हमारा तेल परफेक्ट टेम्परेचर पर गर्म हो चुका है। अगर आप इस टिप को पहली बार सुन रहे हैं तो इस टिप के लिए एक लाइक हो जाए, और हाँ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाजू वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियोस पोस्ट करूँ आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अब चलिए चिप्स को फ्राई करते हैं। हमें हाई फ्लेम में रखना है और चिप्स को एक एक करके डालना है। डालने के 10 सेकेंड बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। डालते ही इसमें बहुत सारे ऐसे बबल्स आएंगे, और इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है वरना ये एक दूसरे के साथ चिपक सकते हैं। अगर ये एक दूसरे के साथ चिपक गए तो फिर ये बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेंगे, ठंडे पड़ जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिएगा। ये देखिए 2 चिपक गए एक दूसरे के साथ, इन्हें हम अलग कर देंगे। लो हो गया।
ये देखिए अभी बबल्स कम हो गए हैं, इसका मतलब अभी हमारा 2 मिनट में हमारा चिप्स क्रिस्पी होने लगेगा। अब ये करेक्ट टाइम है हमारा नमक का पानी छिड़कने के लिए। अब हम 2 टीस्पून नमक वाला पानी ऐड कर देंगे। डालते वक्त ध्यान रखिएगा ये बहुत ही चटकने वाला है, इसे थोड़ा दूर रख कर डालिएगा। मैंने ये साउंड ऑफ नहीं किया ताकि आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन और एक लाइव एक्सपीरियंस मिल जाए चिप्स फ्राई करने का। बहुत ही डेंजरस है इसलिए ध्यान रख के आप ये नमक वाला पानी ऐड कीजिएगा। इसे ऐड करते समय हम फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि जो पानी है वो इवोपेट हो जाए और हमारे चिप्स क्रिस्पी बने। थोड़ी देर बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे वरना हमारे चिप्स जल सकते हैं। बस थोड़ी देर में ये तेल शांत हो जाएगा और फिर हम चिप्स को निकाल सकते हैं। पर अगर आपको थोड़ा डार्कर कलर चाहिए तो आप थोड़ी देर और इस तेल में चिप्स को फ्राई कीजिएगा तो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर मिलेगा। ये देखिए बबल्स सब शांत हो गए हैं। अब इसे हम एक किचन टावल या टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। तो ये फ्राई हो गया हमारा फर्स्ट बैच ऑफ चिप्स। अब जब हम दूसरा बैच फ्राई करेंगे मैं आपको डायरेक्ट कैसे तेल के ऊपर डालते हैं दिखाती हूँ। अब हम कटर को थोड़ा सा ऊपर पकड़ेंगे और केले को इस पर जल्दी 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 से कट करके डालेंगे क्योंकि तेल हमारा स्प्लैटर होने वाला है और हमारे हाथ जल सकते हैं। इस टाइम अपने हाथ का भी ध्यान रखिएगा और तेल का भी। बस बाकी सारा प्रोसेस हमने जैसे पहले किया था वैसा ही है। तो ये रेडी हो गए हमारे सारे चिप्स। 1 किलो केले से हमने इतना चिप्स बनाया है। अब आपको इसी क्रिस्पीनेस सुननी है ना, ये सुनिए। है ना बिल्कुल बाजार जैसे चिप्स, बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही टेस्टी भी बना है। और इसे बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, जब मन चाहो तब बना सकते हैं। बहुत ही इजी है इसे बनाना। टेस्ट करके बहुत ही टेस्टी एंड क्रिस्पी बने हैं। सही बोल रही हूँ, अपनी तारीफ नहीं कर रही, बहुत ही टेस्टी एंड क्रिस्पी है। तो आप इसे घर पे जरूर बना के देखिएगा और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।